नहीं, अगर संतोष में गलत नहीं हूं तो क्या कृष्णनंद राय वाला वही कांड है ना जिसमें 500 गोलियां चौराहे पर मार दी गई थी, बीच गाड़ी पर 7 लोगों की मौत हुई थी और तकरीबन 60 से 70 गोलियां जो हैं वो उनके शरीर में निकली थी पोस्टमार्टम में। बीजेपी विधायक कृष्णनंद राय जिन्होंने इनकी पारंपरिक सीट पर इन्हीं अफजाल अंसारी को हराया था। मैं आपके पास आऊंगा लेकिन एक बार मैं जाना चाहूंगा, हमारे साथ यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, कृष्णनंद राय हत्याकांड और एक और मामला, एक ऐसा मामला जिसको लेकर सभी की निगाहें थी 2007 गैंगस्टर एक्ट और अब सजा का ऐलान, मुख्तार को 10 साल की और अफजाल को 4 साल की सजा, पहला रिएक्शन आपका सर? देखिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेश की न्यायिक प्रक्रिया के तमाम निर्णयों में से एक है आज का दिन, और मैं समझता हूँ ये दिन इसलिए आ पाया 15 सालों के बाद क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने एक जो तथ्यों का प्रस्तुतिकरण है और जो पैरोकारी है वो एक जो शासन सत्ता की तरफ से होनी चाहिए थे उसमें पूरी चौक चावंद दुरुस्त तरीके से उसको किया है, जिसका शुभ परिणाम ये है कि माननीय न्यायालय जो हमारे भारतवर्ष का और उत्तर प्रदेश का न्यायालय जो है वो निष्पक्ष रहा है। इससे सभी जाति धर्म के लोगों का विश्वास रहा है, उन्होंने आज उसपे ऐतिहासिक निर्णय दिया। 43 सालों के बाद कोई निर्णय हो पाया था प्रयागराज के उन माफिया के खिलाफ जो पहले पहली बार किसी 220 अपराधों को करने के बाद पहली बार वो न्यायिक अभिरक्षा में आए थे और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत दंडित हुए थे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वो समय है उत्तर प्रदेश के लिए जिसको एक स्वर्णिम अवस्था में लाया हुआ प्रदेश कह सकते हैं, जिसमें अपराधी डरा हुआ है और निचले तक के अपराध करने वाले लोगों में और अपराधियों में एक संदेश गया है कि अपराध करेंगे अगर उत्तर प्रदेश में तो कानून के शिकंजे में जरूर आएंगे, जेल में जाएंगे या पुलिस से दंडित होंगे। ये जो मनोभाव है, अब दिनेश जी देखिए कृष्णानंद राय हत्याकांड जो है उसके बारे में पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। विधायक थे वो और उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन आपके विरोधी जो है वो आप पर ये आरोप लगाएंगे कि पहले आजम खान, फिर अतीक अहमद और उसके बाद मुख्तार परिवार, आप लोग एक तरफा पैरवी कर रही है, आप पर आरोप लगते भी रहे हैं, तो इसको आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? इसको संशोधित करना चाहूंगा। कानपुर में जब विकास दुबे की घटना घटी पुलिस के साथ में, पुलिस ने उसका प्रतिकार किया, उसके बाद अभी राणा के साथ में पूर्वांचल में ही एक राणा के साथ में मुठभेड़ हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ हुआ। जहां पे मुठभेड़ होता उस जाति से जोड़ देते हैं, जिस जाति का अपराधी होता उस जाति से जोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं कि इस जाति के विरोध में है। लेकिन जब अपराधी के जाति और धर्म से ऊपर उठ के कार्रवाई होती है तो विपक्ष उसकी सराहना नहीं करता है, कभी वो अल्पसंख्यक से अपराधी को जोड़ के मुस्लिम भावना को जागृत करता है, कभी वो ब्राह्मण जाति से करता है, कभी वो जाट धर्म से करता है, कभी वो ठाकुर से, अभी राणा का हुआ तो कभी ठाकुर से वो जोड़ने लगता है। बीजेपी सरकार किसी जाहिर धर्म के आधार पर कानूनी कार्रवाई। आखिरी सवाल सर आपसे, क्या बीजेपी के नेता होने के नाते आप लोग के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी एक बड़ा दिन है क्योंकि कृष्णानंद राय आप ही लोग के विधायक थे, आप ही की पार्टी से जुड़े हुए थे? देखिए, किसी कोई भी पीड़ित हो, ये उत्तर प्रदेश सरकार का नैतिक दायित्व है कि उसको संरक्षण मिले और अपराधी को दंड मिले। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल में जा रहा है और आज अब बिहार में देखें जो समाजवादी पार्टी के दोस्त पार्टी है जनता दल यू और आरजेडी, वहाँ जेलों से अपराधियों को निकाल रहे हैं। तो ये मूल भावना, ये अंतर है सोच में विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक बड़ा दिन है न्यायिक प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में और इसका बहुत दूर तक संदेश जाएगा। ठीक है दिनेश शर्मा जी, आपका शुक्रिया। हालांकि बिहार में इशारों में जिस आनंद मोहन का जिक्र आप लोगों ने किया उसका विरोध आपकी पार्टी के भी बड़े नेता नहीं कर रहे हैं और कई ऐसे हैं जो पहले समर्थन करते आए।